नमस्ते प्यारे बच्चों गुड इवनिंग स्वागत है आपका गैलेक्सी क्लासेस सत्ते पे सत्ता डेली करंट अफेयर्स शो में सेवन इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हम कवर करते हैं डेली बेसिस पे रोज शाम को सात बजे तो बच्चों जुड़ना मत भूलिएगा और गैलेक्सी क्लासेस को फॉलो करिए डेली करंट अफेयर्स जो आपको हर एग्ज़ाम के अंदर हेल्प करेंगे ठीक है करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाते हैं ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं एंड बच्चों देखो बोल कर नहीं करके दिखाना क्योंकि लोग अक्सर सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं क्या देखना पसंद करते हैं कि आप क्या कर रहे हो या आपने क्या किया ठीक है क्या आपने अचीव किया लोग उसको सुनने की बजाय देखना पसंद करेंगे मतलब हम पहले ही ना अपना जो हमारे टारगेट्स हैं जो हमारे सपने हैं उनको बोल कर नहीं ठीक है कि हम ये करेंगे हमने ये सोचा है ठीक है हमारे ये प्लान्स हैं हम इतनी मेहनत कर रहे हैं हम इतने घंटे पढ़ते हैं ये बातें जो हैं ये सब चलती रहेंगी लेकिन मेन जो चीज है जो हमें करके दिखानी है ठीक है तो लोग वो देखना जरूर पसंद करेंगे ठीक है तब अच्छे अच्छों के होश जो है वो उड़ जाते हैं तो होश उड़ाने के लिए तैयार रहिए बच्चों जोश के साथ शुरू करते हैं हम करेंट अफेयर्स क्लास को ठीक है इसी के साथ आपकी पहली खबर जो नेशनल न्यूज में आपके रोज अपडेट आते हैं राइट तो पहली नेशनल खबर जो है आज की वो है इंडिया लॉन्चेस फास्टेस्ट इंडिजीनियस ठीक है जो बनाई है इंडिया में ही आई पी एम पी एल एस रूटर तो स्टूडेंट्स ये एक रूटर है जैसे कि आप जानते हैं कि इसकी जो अलग अलग स्पीड होती है जो कनेक्शन होता है नेटवर्क ठीक है उसको स्टेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है राइट right, बच्चों तो यहाँ पे जो ये लॉन्च करा गया है यहाँ पे है ये कर्नाटका में जिसकी कैपिटल हो जाएगी बेंगलुरु इफ यू नो राइट तो यहाँ पे स्टूडेंट इसके अंदर क्या है एम जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो यहाँ पे काम कर रहा है ये कैसे काम करता है मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग पे जिसके अंदर ये एक नोट से दूसरे नोट पे बहुत ही क्विकली जो है वो ट्रांजिशन लेता है ठीक है यहाँ पे क्या होती है नोट होती हैं जिसमें ये कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है राइट right? जो आपका वाईफाई सिस्टम भी होता है हम रूटर से कनेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो स्पीड इसकी इंपॉर्टेंट है आप प्लीज़ लिख लीजिएगा ये जो रूटर है एम इसमें जो स्पीड है वो कितनी प्रोवाइड कर रहा है 2.4 पॉइंट फोर टी में ठीक है जो कि बहुत ही अच्छी स्पीड है अभी इसकी ब्लेजिंग स्पीड हम इसको कह सकते हैं कितनी है 2.4 पॉइंट फोर एक सेकेंड में तो देखिए आप कहाँ पे हमारा जो लेवल है वो पहुंच चुका है टेक्नोलॉजी का इंटरनेट का ठीक है इक्विवलेंट टू ये जो टेराबाइट्स uh, होते हैं तो कितना इसके बराबर हो जाएगा ये एक हजार गीगा वाइट के ठीक है जीबी के या फिर आप कह सकते हो कि वन लाख करोड़ बाइट्स पर सेकेंड ठीक है स्टूडेंट्स तो एनहैंसिंग द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी हमारा ये डिजिटल इंडिया है उस मिशन को प्रमोट करेगा जो भी नेटवर्क प्रोवाइड है नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं उसको ये फैसिलिटेट करेगा राइट तो हमारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का क्या होगा स्टूडेंट स्ट्रेंडन होगा स्ट्रॉन्ग होगा तो ये जो रूटर है इसका आपको याद रखना है कि जगह कौन सी है जहां पे ये लॉन्च करा है बेंगलुरु में और एम पी एल एस वर्ड आपको याद रखना है स्पीड के साथ टू पॉइंट फोर टेरा बाइट पर सेकेंड क्लियर है बच्चों क्लियर है आपको इतना राइट right? अभी आपकी जो इंटरनेशनल न्यूज है इंपॉर्टेंट सेकेंड सेक्शन है इंटरनेशनल न्यूज का उसमें कौन सी खबर है बच्चों देखिए यहाँ पे चाइनाज न्यू टेरिटोरियल सी बेस लाइन इन गल्फ ऑफ टोंकिन रेजेस कंसर्न तो यहाँ पे कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट लोकेशन है गल्फ ऑफ टोंकिन तो बच्चों जैसे कि आपको पता है कि चाइना की स्ट्रैटेजी क्या रहती है वो अपने मैरिटाइम बॉर्डर्स को और जो भी टेरिटोरी है उसको एक्सपैंड करता है ठीक है जो भी उसकी जो एरिया है उसके अंडर आता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है उसको वो बढ़ाने की कोशिश लगातार करता है कैसे करता है वो लाइन मार्क कर देता है ठीक है डी मार्केशन कर देता है तो उससे क्या दिखाता है ये कि ये जो टेरिटरी है ये जो जगह है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आती है चाइना की ये पॉलिसी रहती है अभी जो उसने क्या करा है देखो गल्फ ऑफ टोंकिन पहली बात तो इसकी लोकेशन पे आता है बच्चों साउथ चाइना सी में ये लोकेटेड है ठीक है तो यहाँ पे इन्होंने मैरीटाइम डी मार्केशन करा है पानी में जिसमें कौन से है देखो चाइना और वियतनाम के बीच में ये कर रहा है गल्फ ऑफ टोंकिन ठीक है मेरी टाइम बाउंड्री एग्रीमेंट है देखो इन्होंने जो ये लाइन मार्क कर रखी है आप इमेज में देख पा रहे हो स्टूडेंट्स देख पा रहे हो इमेज में गल्फ ऑफ टोंकिन पे हो जाएगा चाइना और वियतनाम देखो चाइना और यहाँ पे जो वियतनाम है इनके बीच में क्या है ये इसने डीमार्केशन करा हुआ है गल्फ ऑफ टोंकिन जिसको कहा है और ये जो जगह है वो कौन सी है साउथ चाइना सी में ये आती है ठीक है तो आप प्लीज लिख लीजिए इसको गल्फ ऑफ टोंकिन साउथ चाइना सी ठीक है तो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे चाइना जो है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है लेट्स हैव अ लुक चाइना के बारे में देख लो एक बार आप जो चाइना का मैप है ठीक है ईस्टर्न एशिया के अंदर ये कर रहा है ईस्टर्न एशिया में ये आपका देखा जाता है जिसके अंदर स्टूडेंट्स बाईस प्रोविंसिस हैं ठीक है बाईस प्रोविंसेज हैं जो अलग अलग स्टेट्स या कंट्रीज आप कह सकते हो प्रोविंसिस बोलते हैं चाइना में तो बाईस हैं टोटल ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये अपना बॉर्डर जो है वो चौदह कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है ठीक है कैपिटल आपको याद रखनी है बीजिंग जो इसकी सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है एरिया वाइज कहें अगर हम तो सेकेंड लार्जेस्ट बीजिंग है और एक आपका है शंघाई शंघाई आप देख सकते हो इधर ये इसकी लार्जेस्ट सिटी कही जाती है जिसमें सबसे ज्यादा क्या है पॉपुलेशन है ठीक है बच्चों तो यहाँ पे देखो बीजिंग कैपिटल हो गई ये शंघाई हो गई फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स है अगर आप देख पाओ यांगसे रिवर यांगसे रिवर, रिवर येलो रिवर पर्ल रिवर तो देखो यहाँ पे आपको देखिए मेकोंग रिवर है यहाँ पे देखिए येल्लो रिवर है ठीक है यांगसे रिवर है जो कि थर्ड लार्जेस्ट uh, कही जाती है ठीक है यांगसे रिवर एक है पर्ल रिवर ये सारी नदियां यहाँ पे बह रही हैं चाइना में ठीक है बच्चों क्लियर है इतना उसके बाद देखो साउथ में इसके नेपाल है भूटान है यहाँ पे पाकिस्तान है नीचे इंडिया है ठीक है स्टूडेंट्स म्यांमार है थाईलैंड है वियतनाम लेस ये सारी कंट्रीज के साथ ये साउथ में क्या कर रहा है बॉर्डर शेयर कर रहा है ना फिर आप ईस्ट में जाओगे तो आपको पैसेफिक ओशियन दिखेगा ठीक है आइलैंड्स दिखेंगे साउथ कोरिया दिखेगा आपको ईस्ट में नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया फिर साउथ में देखो साउथ चाइना सी है तो ये वो लोकेशन है जो अभी न्यूज में है साउथ चाइना सी यहाँ देखो वियतनाम है यहाँ चाइना है बीच में जो है गल्फ ऑफ टोंकिन आप देख सकते हो तो ये वो लोकेशन है ठीक है बच्चों क्लियर है हिमालयस देखो यहाँ पे जो पहाड़ है हिमालयस जो इंडिया में भी है फिर ऊपर चाइना में एक्सटेंड हो रहे हैं साथ में ही और कौन से देखेंगे आपको अलतुन शाह अंतुल अलतुन शाह माउंटेन्स है और कुलुन शाह माउंटेन्स ठीक है कुलुन शाह माउंटेन्स अतलुन शाह माउंटेन्स और हिमालयाज ये सारे पहाड़ हो गए चाइना के और डेजर्ट भी है यहाँ पे कौन से गोभी डेजर्ट ठीक है और तकला मकान डेजर्ट तो ये भी आपके चाइना में है नॉर्थ में आप देखोगे तो मंगोलिया आपको दिख जाएगा ठीक है मंगोलिया ठीक है बच्चों तो ये सारी लोकेशंस जो है आपको याद रखनी है इसमें चाइना के अंदर ठीक है ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ये शामिल है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में जो चाइना है वो इंक्लूडेड है यूनाइटेड नेशंस में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ठीक है चाइना इज अ पार्ट इज अ मेंबर कंट्री उसके बाद है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एशिया का जो बैंक है ये पूरा और शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ठीक है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो इसका भी क्या है ये पार्ट है इनके हेडक्वार्टर भी चाइना में ही लोकेटेड है ठीक है शंघाई के नाम से ये बना है शंघाई कॉरपोरेशन ठीक है बच्चों क्लियर है आपको कौन से ओशियन्स हैं कौन सी रिवर्स हैं कौन से माउंटेन्स हैं है, एक येल्लो सी भी आप देख पाएंगे यहाँ पे ठीक है येल्लो सी भी लोकेटेड है और साउथ में आपका साउथ चाइना सी गल्फ ऑफ टोंकिन भी अब आपको लिख लेना है साउथ चाइना सी के साथ क्लियर है बच्चों इतना चाइना के बारे में क्लियर है स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए यहाँ पे लोकेशन इसकी ईस्टर्न एशिया है फोर्टीन कंट्रीज के साथ क्या है बॉर्डर है लार्जेस्ट सिटी है शंघाई ठीक है बच्चों सेकेंड लार्जेस्ट कौन सी हो जाएगी बीजिंग जो इसकी कैपिटल भी है ठीक है तो ये लार्जेस्ट है ये सेकेंड लार्जेस्ट है बाईस इसके अंदर क्या है प्रोविंसेस है ठीक है बेटा उसके बाद लैंग्वेज यहाँ पे देखो मंदिर मंदिरन और चाइनीज लैंग्वेज जो है वो बोली जाती है प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग राइट एंड आप देखो करेंसी यहाँ पे रेमिन बी ठीक है बच्चों? ये हो गई यहाँ पे करेंसी तो अब स्टूडेंट्स आप देखोगे यहाँ पे जो थर्ड सेक्शन है आफ्टर दिस चाइना ये सारी बातें आपको याद रखनी है मैंने आपको जो बताई थर्ड सेक्शन है स्टेट न्यूज का तो कौन सी स्टेट है न्यूज में लेट्स हैव अ लुक देखिए बच्चों पीएम मोदी इनगरेट 15 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स इन उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश की ये क्या है खबर है ठीक है स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश यहाँ पे क्या करा गया है पंद्रह एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करा इनोग्रेट करा है कौन देखेगी इसको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके काफी सारे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं ये मेंटेनेंस का भी काम करती है एयरपोर्ट्स भी बनाती है तो अलग अलग लोकेशंस यहाँ पे हैं ठीक है वन थर्टी सेवन टोटल इन्होंने क्या करे हैं डेवलप करे हैं एयरपोर्ट्स ठीक है सारा काम यही देखती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ठीक है स्टूडेंट्स अब देखो ये सारी जगह पे यहाँ पे अभी इनग्रेशन करा है तो यहाँ यहाँ पे लोकेशन में इसका काम रहेगा पुणे कोल्हापुर ग्वालियर जबलपुर दिल्ली लखनऊ अलीगढ़ आजमगढ़ चित्रकूट यूपी में ठीक है मुरादाबाद श्रवस्ती और आदमपुर तो ये सारी लोकेशन पे अभी रिसेंट स्टूडेंट्स जो प्रोजेक्ट है जोड़े जाएंगे राइट और यूपी का आपका ये जो न्यूज है वो एयरपोर्ट के रिगार्डिंग हो जाता है ठीक है स्टेट न्यूज क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में भी याद रखना है क्लियर है बच्चों क्लियर है बच्चों इतना तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका स्पीशीज इन न्यूज जैसे कि आप देखते हो कि कुछ पौधों और जानवरों की प्लांट्स और एनिमल्स की जो जातियां हैं जो स्पीशीज हैं वो न्यूज में रहती हैं ठीक है ठीके? तो आज के सेक्शन में कौन सी है इंपॉर्टेंट यहाँ पे है गोल्डन लंगूर ठीक है तो जैसे कि आपने देखा होगा आप भी कहीं घूमने जाते हो तो देखा है ना बेटे लंगूर जो होते हैं ठीक है ठीके? तो गोल्डन लंगूर जैसे कि आप देखो इनके जो हेयर्स हैं जो इनकी बॉडी है वो कैसी है गोल्डन कलर की है जो फेस है वो ब्लैक कलर का है जो चेहरा है इनका ठीक है तो कैसे दिखते हैं ये गोल्डन कलर के दिखते हैं अब इसके बारे में आपको फैक्ट्स याद रखने हैं कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं कितनी पॉपुलेशन है भारत में साथ ही में इसका आईयुसीएन स्टेटस ठीक है तो स्पीशीज का आपको जरूर आईयुसीएन स्टेटस बच्चों याद रखना होता है ठीक है तो क्या होता है आई इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज अब यहाँ पे देखो इसका एंडेंजर्ड है तो कैसे आप याद रखोगे क्योंकि ये ना किसी का भी पूछ लेते हैं किसी भी स्पीशीज का बताओ आई स्टेटस क्या है गोल्डन लंगूर इज रिस न्यूज तो बताओ आईओसीएन स्टेटस क्या है अब देखो इसका एंडेंजर्ड है ठीक है इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है ना एंडेंजर्ड क्रिटिकली एंडेंजर्ड एबल राइट स्टूडेंट्स तो मतलब वो इसलिए है कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज को कितना खतरा है ठीक है कितना खतरा है कि वो स्पीशीज खत्म तो नहीं हो जाएंगी जैसे कि अब आप, आप देखो पॉपुलेशन कितनी रह गई है लंगूर की गोल्डन लंगूर्स की सेवन थ्री नाइन सिक्स अभी इतने इतने हैं ये भारत में ठीक है तो यहां पर इनको एंडेंजर्ड बोला गया है तो आप याद रखोगे देखो एंडेंजर्ड का एन और गोल्डन गोल्डन और एंडेंजर्ड एन एन आ रहा है ना गोल्डन में आ रहा है EN, तो इसको देखते ही आपको सबसे पहले क्या बोलना है कि ये तो भाई एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है गोल्डन लंगूर ठीक है बच्चों अब इसकी अगर हम बात करें कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो ये क्या है मंकीज है ठीक है बंदर है ये कोल्ड द कोलोबीन्स तो कोलोबीन्स मतलब कि लीफ ईटिंग प्राइमे पिरािड्स है ये मतलब कि क्या कर रहे हैं ये जो हर्बी वोर्स टाइप होते हैं ना कि जो पत्ते खाते हैं लीफ खाते हैं लेकिन इनका एक रूमिनेंट लाइक मल्टी चैम्बर स्टमक है स्टूडेंट्स रूमिनेंट क्या होते हैं जैसे कि गाय होती है ठीक है काव होती है शीप होती है इनको हम रूमिनेंट एनिमल्स कहते हैं तो इनका क्या होता है ना स्टूडेंट्स जो इनका पेट है उसके अंदर अलग अलग चैम्बर होते हैं फूड को क्या करने के लिए फॉलो करने के लिए पचाने के लिए भी फिर दोबारा से वो चबाते हैं तो मल्टी चैम्बर्ड स्टमक हो जाता है रोमिनेट्स का एग्जाम्पल में काउशी पाते हैं तो इनका भी क्या है ऐसा ही स्टमक है पेट है किसका गोल्डन लंगूर का अब ये जो लोकेशन है इनकी कहाँ पे ये पाए जा रहे हैं असम में ठीक है ब्रह्मपुत्र रिवर वैली जो है यहाँ पे असम और भूटान यहाँ पे ज्यादातर ये देखे जाते हैं ज्यादा मात्रा में ठीक है तो ये आपके सेवन थ्री नाइन सिक्स है एंडेंजर्ड इनका स्टेटस हो जाएगा क्लियर है बच्चों इतना गोल्डन लंगूर के बारे में क्लियर है तो पांचवा सेक्शन है आपका स्कीम्स एंड का तो मिशन हम देखते हैं कि कौन सा न्यूज में है अभी तो यूटी है हमारी अंडमान एंड निकोबार ये जो आइलैंड्स है ठीक है वहां पे हिस्टोरिक ऑल वुमेन मेरी सर्विलियंस मिशन ठीक है बच्चों ऑल वुमेन मैरी टाइम सलवीरियंस मिशन ये किसका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ठीक है तो ये देखो अभी जैसे आ, मैंने आपको बताया था काफी सारे स्टेट्स जो है वो वुमेन के लिए क्या कर रहे हैं स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं उनको क्या दे रहे हैं उन उनपे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल इंसेंटिव प्रोवाइड कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में झारखंड में है ना दिल्ली में तो काफी सारी स्कीम्स अभी वुमेन के लिए लॉन्च करी गई है सिमिलरली यहाँ पे इन्होंने देखो क्या करा है ये फोर्टी एनिवर्सरी थी आई एन जो एयरक्राफ्ट है ठीक है जो क्या करता है मेरी टाइम सर्विलियन सर्वेक्षण करता है ये ठीक है ध्यान रखता है जो पेट्रोलिंग होती है वो करता है मेरी पेट्रोल रेडार्स होते हैं स्टूडेंट्स सर्विलियंस को निगरानी रखने के लिए ठीक है मैरिटाइम रीजन में जो कि वहां पे सारा पानी का क्षेत्र है अंडमान के पास तो वहां पे मैरिटाइम सिक्योरिटी और सर्विलियंस के लिए ये क्या कर रहा है निगरानी रख रहा है इसकी एनिवर्सरी थी इस एयरक्राफ्ट में तो अब देखो यहाँ पे इमेज में आप देख पा रहे हो एयरक्राफ्ट तो यहाँ पे देखो तीन महिलाएं हैं मिशन क्रू में जिनको लिया गया है ठीक है लेफ्टिनेंट कमांडर है शुभांगी स्वरूप और दिव्या शर्मा और वैशाली मिश्रा ठीक है तो ये जो तीन हैं इनको चुना गया है सर्विलियंस मिशन के लिए अंडमान एंड निकोबार से ठीक है स्टूडेंट्स कौन सा है ये ऑल वुमेन मैरिटाइम सर्विलियंस मिशन तो इन तीनों के नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और ये क्या कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट का भी सोल्यूशन दे रहे हैं ठीक है थीके? उनको अथॉरिटी प्रोवाइड करना उनको आत्मनिर्भर बनाना का इनका प्रयास है ठीक है उनको स्ट्रोंग करने का तो यहाँ पे है शुभांगी स्वरूप दिव्या शर्मा और विशाली मिश्रा ठीक है शुभांगी दिव्या विशाली एस डी वी एस डी वी शुभांगी दिव्या विशाली याद रखोगे बेटा याद रखोगे सर्विलियंस मिशन में इनको चुना गया है ठीक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स कौन कौन से आइलैंड यहाँ पे आ रहे हैं जैसे कि आप देखोगे बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है कैपिटल है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर और साथ ही में देखो पॉपुलेशन यहाँ पे लगभग कितनी है तीन लाख अस्सी हजार गवर्नर है यहाँ पे राजकोवा जगदीश मुखी तो जगदीश मुखी से आप याद रख लो अंडमान निकोबार जगदीश मुखी और यहाँ पे देखो यहाँ पे लोअर अंडमान है ठीक है नॉर्थ अंडमान है सेडल पीक है नॉर्थ में ये कौन से हैं अंडमान आइलैंड्स हो गए फिर बीच में गैप है फिर नीचे कौन से साउथ में है निकोबार निकोबार में देखो कार निकोबार है ना और अलग अलग छोटे छोटे यहाँ पे लिटिल निकोबार ग्रेट निकोबार ये सब क्या है छोटे छोटे बच्चों टापू हैं ठीक है अंडमान है निकोबार आइलैंड्स में कैपिटल याद रखना है इसकी पोर्ट ब्लेयर राइट ये सारे यहाँ पे आइलैंड्स है लैंग्वेज बोली जाती है निकोबारीज बंगाली हिंदी तमिल और तेलुगु ठीक है निकोबारीस तो याद रहेगा तुमको बंगाली हिंदी तमिल तेलुगु ठीक है तमिल तेलुगु टी टी और बंगाली और हिंदी ठीक है स्टूडेंट्स क्लियर है इतना अंडमान के बारे में आपको यहाँ पे कौन सा मिशन है अभी ऑल टाइम डेफ कनेक्ट हुई थी ना अभी रिसेंटली तो राजनाथ सिंह जो है हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस उन्होंने स्कीम्स लॉन्च करी थी कौन सी स्कीम्स लॉन्च करी थी बेटा डिफेंस में आई और अदिति है ना इन दोनों के नाम बेटा याद रखने हैं ये किस में आ जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इनिशिएटिव्स है अभी डेफ कनेक्ट में इनको लॉन्च करा गया था डिफेंस को लैबोरेेशन को बढ़ाने के लिए ठीक है तो अभी डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट करा है अग्नि फाइव मिसाइल ठीक है विद एमआईआरवी टेक्नोलॉजी और मिशन कौन सा हो जाता है दिव्य अस्त्र तो दिव्य अस्त्र के दिव्य अस्त्र के अंदर अग्नि फाइव मिसाइल को यहाँ पे क्या करा गया है टेस्टिंग करी गई है याद रखना है बेटा दिव्य अस्त्र मिशन है ठीक है तो दिव्य अग्नि जो महाज्वाला है है ना दिव्य अग्नि भव्य अग्नि तो दिव्य और अग्नि दिव्य अस्त्र का ये मिशन का पार्ट है अग्नि फाइव मिसाइल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है डिफेंस के क्वेश्चन अक्सर आते हैं मिसाइल्स के मिलिट्री एक्सरसाइज के इसका नाम बेटा लिख लीजिए अग्नि अग्निफाइव मिसाइल मिशन दिव्य अस्त्र और डीआरडीओ के द्वारा इसको करा गया है ठीक है तो डीआरडीओ क्या है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या ईयर है बच्चों इसका कब बना था ये 1958 में बना था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको देखती है और इसके डिफेंस के अंदर काफी सारे डेवलपमेंट्स और मिशन रहते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी है एम टेक्नोलॉजी क्या होता है एम आई आर वी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल तो यहां बच्चों इसकी खास बात यह है कि अलग अलग टारगेट है ठीक है मल्टीपल टारगेट अगर बहुत सारे टारगेट हैं अलग अलग एंगल पे तो ये क्या कर रही है मिसाइल उनको टारगेट कर रही है बार बार ठीक है इस टेक्नोलॉजी के अंदर मल्टीपल टारगेट्स पे फोकस करा जाएगा एम आई आर वी टेक्नोलॉजी के द्वारा ठीक है तो एक ही बारी में इसको जब हम आ, जब टेस्ट कर रहे हैं तो अलग अलग टारगेट्स पर ये एक साथ ही निशाना जो है वो लगा पाएगी मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स इसमें दिए गए हैं और नो फ्लाई जोन बनाया है स्टूडेंट्स यहाँ पे कहाँ पे हो जाता है ये बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में ठीक है इंडियन ओशियन रीजन में क्योंकि इसकी टेस्टिंग चलेगी यहाँ पे तो इसके लिए क्या करा गया है नो फ्लाय जोन लगाया है जिसमें काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो रहते हैं ठीक है और आप देखो थ्री स्टेज इसके अंदर क्या है सॉलिड फ्यूल्ड इंजन का प्रयोग करा गया है ये इसका देखो रेंज है पाँच हजार किलोमीटर तक ठीक है एक्यूरेसी भी इसकी अच्छी है तो यहाँ पे देखो डेवलपमेंट रिसेंटली होती रहती है अब इसकी इतने सारे फीचर हैं तो ये हो जाती है इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको अग्नि अग्निफाइव मिसाइल मिशन दिव्य अस्त्र और थ्री स्टेज सॉलिड फ्यूल इंजन साथ ही में एम आई आर भी टेक्नोलॉजी इतना इतना करके आपको एक लाइन का एक फैक्ट लिखना है उसमें आपकी ये न्यूज कंप्लीट हो जाएगी और याद भी आपको रखना है बच्चों ठीक है क्लियर है पांच हजार किलोमीटर टारगेट और हाई एक्यूरेसी के साथ ये रहती है ठीक है बच्चों अग्नि फाइव मिसाइल ये हो जाएगा छठा सेक्शन लास्ट आपका साइंस टेक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है लेट्स देखो साइंस टेक में डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अनवेल्स रीवैम्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम कौन सी स्कीम है बेटा साइंस एंड टेक में ये देखो रिवैम्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंट स्कीम तो मतलब टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना है हमें ठीक है किसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल तो यहाँ पे स्टूडेंट कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स आप याद रखेंगे ठीक है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स अब इसमें होता क्या है स्टूडेंट्स मेडिसिन और ड्रग्स का डेवलपमेंट होता है ठीक है फार्मास्यूटिकल में क्या हो रहा है ड्रग्स और मेडिसिन का प्रोडक्शन होता है ठीक है कौन करता है ये प्रोडक्शन जैसे आपका जो सेक्टर है ना पूरा फार्मास्यूटिकल मतलब जो फार्मेसीज होती हैं जहाँ से आप दवाई खरीदते हो वो दवाइयाँ कहाँ से आ रही हैं कहाँ पे बनती हैं उसी को हम कहते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ठीक है तो उसके अंदर जो एमएसएमई है ना एमएसएमई क्या होता है बेटा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो यहाँ पे किसके अंदर लिंक्ड है ड्रग्स एंड मेडिसिन की डेवलपमेंट में उनका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करने की बात करी है कि साइंटिफिक या मशीनरी लेवल पे या टेक्निकल लेवल पे कैसे हम जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ा पाए मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करें जिससे कि हमारा जो ये सेक्टर है वो और स्ट्रांग हो आपको पता है हमारा इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो कौन से उस पर आता है क्या रैंक है इंडिया की फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है अगर वहां पे आप देखोगे लेट मी टेल यू तो बच्चों देखो फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है है ना अगर हम भारत की बात करें तो थर्ड नंबर पे है ये थर्ड लार्जेस्ट सेक्टर है फार्मास्यूटिकल ऑल ओवर द वर्ल्ड ठीक है ठीक है अभी हमारा जो आ, वो है ना विजन है फार्मास्यूटिकल को लेकर तो हम क्या चाहते हैं ग्लोबल फार्मेसी बनना चाहते हैं हम ठीक है विश्व के लेवल पर ग्लोबल फार्मेसी जैसे कि आप जानते हो ना कोविड के टाइम पे हमने कितनी हेल्प करी थी पड़ोसी देशों की हमने जो मेडिसिन हैं जो टेस्ट हैं जो किट्स हैं कितना कुछ सप्लाई किया था राइट लोकल लेवल पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लेवल पे मतलब काफी ज्यादा जो है हमारा सेक्टर फार्मास्यूटिकल स्ट्रॉन्ग है ठीक है जो इंडस्ट्रीज है इसके अंदर और अगर आप कहोगे ना कि प्रोडक्शन लेवल पे है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा फार्मास्यूटिकल का और अगर हम बाय वॉल्यूम बात करें तो फोर्टीन पे आता है ठीक है बाय वॉल्यूम बात करें तो फोर्टीन पे आता है और अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो थर्ड लार्जेस्ट में आता है ठीक है और जो इसके अंदर टॉप पे आती है जो कंपनी है वो सन फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है ठीक है सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ये पहले नंबर पे है प्रोडक्शन में इंडिया के अंदर ठीक है बच्चों क्लियर है इतना याद रखोगे आप डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स राइट अब देखिए इधर तो यहाँ पे क्या करा जाएगा डब्ल्यू एच ओ जी एम पी गुड्स एंड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करके ठीक है एच वी ए सी सिस्टम्स जो होते हैं हमारे एयर कंडीशनिंग ठीक है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग जिससे कि मतलब सफोकेशन ना हो हर चीज़ स्मूथ रहे जो वर्कर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं क्योंकि ड्रग्स का डेवलपमेंट हो रहा है मेडिसिन का डेवलपमेंट हो रहा है थोड़ा खतरनाक काम हो जाता है हेल्थ को ध्यान रखना है सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखना है तो यहाँ पे एच वी ए सी हो जाता है हीटिंग वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स टेस्टिंग एंड लेबोरेटरीज वो सब डेवलप करी जाएगी उस पर इन्वेस्टमेंट होगा साथ ही में स्टूडेंट्स जो यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है ना एमएसएमई के द्वारा जो ये एंटरप्राइजेस हैं इंडस्ट्रीज हैं उनको इंसेंटिव देने की बात करी है ठीक है उनके टर्न के हिसाब से जैसे यहाँ पे जो है कितना इंसेंटिव दिया जाएगा एक करोड़ ठीक है पर यूनिट मतलब अप टू एक करोड़ है कि मैक्सिमम इंसेंटिव एक करोड़ का देंगे इट इज डिपेंडिंग अपॉन टर्नओवर कि उनका पचास करोड़ से सौ करोड़ के बीच में है सौ करोड़ से दो सौ करोड़ के बीच में है तो उनका जो परसेंटेज ऑफ इंसेंटिव है ना वो बढ़ता जाएगा इंसेंटिव क्या होता है स्टूडेंट्स इंसेंटिव जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं फाइनेंशियल भी ठीक है मॉनिटरी तो यहाँ पे एक करोड़ तक के इंसेंटिव की बात करी गई है फॉर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम ठीक बेटा इतना क्लियर है इतना क्लियर है बेटो आपको ये साइंस टेक की न्यूज हो जाएगी और एक आपका जो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है एक बार हम देख लेते हैं कि एमसीक्यू किस बेसिस पे आपसे पूछ लिए जाएंगे अदर इंपॉर्टेंट न्यूज लेट्स हैव अ लुक तो देखो बेटा व्हाट डिड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अनवेल इन आंध्र प्रदेश जी ने अभी क्या इनोग्रेट करा है यहाँ पे कौन सी स्टेट में आंध्र प्रदेश में एक स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम है ठीक है स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम तो जियोलॉजिकल सर्वे स्ट्रेटिग्राफिक कॉलम दूसरा हो जाता है इसमें वट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोटेरोजोरिक बेसिन इन इंडिया कौन सा बेसिन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है दूसरे नंबर पे है प्रोटेरोजोरिक जो पीरियड था हमारा है ना उस टाइम का तो कुड़प्पा बेसिन ठीक है कड़प्पा बेसिन हो जाएगा इसका आंसर वट वॉज इनोग्रेटेड इन सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट आसाम में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है सोनितपुर सोनितपुर और क्या है सोलर प्रोजेक्ट है ठीक है पचास मेगावॉट का फिर है टेक्नोलॉजी वॉज टेस्टेड बाई डी आर डी ओ इन अग्नि फाइव मिसाइल टेक्नोलॉजी कौन सी है देखा कैसे आएगा क्वेश्चन तो आप लिखोगे एम आई आर वी टेक्नोलॉजी को ऑप्शन को आप मार्क करोगे ठीक है फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ डीआरडीओ मिशन कौन से मिशन में आता है अग्नि फाइव मिसाइल टेस्टिंग मिशन बताया था मैंने आपको दिव्य अग्नि दिव्य अस्त्र ठीक है दिव्य अग्नि दिव्य अस्त्र अग्नि फाइव में सर आंसर हो जाएगा आ, कौन सी मिसाइल है ये किस में आती है मिशन दिव्य अस्त्र में फिर है बच्चों आपका वेयर डिड द एफ्रीकन हेल्थ समिट टू एड्रेस मलेरिया क्राइसिस टेक्स प्लेस कहाँ पे हुई थी ये मलेरिया को खत्म करने के लिए एफ्रीकन हेल्थ समिट योंडो कैमरून में ठीक है योन कैमरून और कौन सा इनिशिएटिव अभी अमित शाह ने इनोग्रेट करा है रूरल डेवलपमेंट के लिए फॉर रूरल डेवलपमेंट दिल्ली ग्रामोद्य अभियान दिल्ली ग्रामोद्य अभियान ठीक है बेटा ये अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा तो टू द पॉइंट आपको फैक्ट्स को याद रखना है ठीक है क्लियर है क्लियर है बेटा आपको चले फिर हम एमसीक्यू की तरफ ठीक है अब आपकी बारी है जो आपको पढ़ाया है क्वेश्चन वहीं से आने हैं दस सेकेंड में आपको आंसर करना है जल्दी से देखना है क्वेश्चन और सीधा उसका आंसर आपको आ जाना चाहिए इतनी आपकी तैयारी अगर है तो मतलब आप सही तरीके से अपनी जो प्रयास है उसको कर रहे हो ठीक है तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे अंडर विच मिशन द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ अग्निफाइव बैलिस्टिक मिसाइल वॉज कंडक्टेड इसमें तो कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए अगर इसका आंसर आ जाता है देखते ही तो मतलब सही जा रहे हो बेटा बिल्कुल बताया था तुमको मैंने अग्नि फाइव अग्नि फाइव दिव्य अस्त्र दिव्य अग्नि दिव्य अग्नि आंसर हो जाएगा मिशन दिव्य अस्त्र ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ठीक है ठीक है बच्चों इतना क्लियर है आपको तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ तो खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति प्रोग्राम कीर्ति प्रोग्राम कौन सी सिटी बताइए कीर्ति से याद रखो इसको खेलो इंडिया के लिए जो हुआ है कीर्ति वाला कहाँ पे है ये प्रोग्राम चंडीगढ़ इज द राइट आंसर ठीक है पंजाब हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ चंडीगढ़ में, में मेरी दोस्त कीर्ति रहती है याद रखोगे इसको चंडीगढ़ में कीर्ति रहती है तो कीर्ति खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन बी इज द राइट आंसर क्लियर है बेटा ठीक है साथ ही में आपका थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है अमंग द चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ सी नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन इसके अंदर चेयरमैन कौन है बेटा अभी आंसर क्या हो जाएगा इसका बी इज द राइट आंसर ठीक है तो इसमें श्री किशोर मकवाना तो कैसे याद रखोगे श्री किशोर शा श और शेड्यूल कास्ट ठीक है श और शेड्यूल कास्ट इसको याद रखना बेटा श्री किशोर और शेड्यूल ठीक है तो शेड्यूल कास्ट के ये जो कमीशन के चेयरमैन है इनको अभी करा गया है श्री किशोर मकवाना इज द राइट आंसर तीसरा क्वेश्चन क्लियर है बेटा चौथा है आपकी स्क्रीन पर अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ स्विडिश थिंक टैंक सिपरी सिपरी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताओ कितना परसेंट इंडिया ने आर्म्स को इम्पोर्ट करा है ठीक है आर्म्स होते हैं हथियार होते हैं एमिशन होता है कितना जो है परसेंट वो चौदह अठारह से उन्नीस तेईस के समय के बीच में जो है क्या परसेंट अभी हम आर्म्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं रिपोर्ट दी है सिप्री ने बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर 4.7 पॉइंट सेवन इज द राइट आंसर ठीक है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर सिपरी की जो रिपोर्ट है स्वीडिश थिंक टैंक है ये तो स्टूडेंट सिपरी क्या होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ठीक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये क्या करती है डिफेंस सेक्टर में या फिर आर्म्स में अलग अलग देशों का क्या रहता है इन्वेस्टमेंट रहता है तो हमने अभी जो है आयात इसका जो है इंपोर्ट जो है वो करा है चौदह अठारह से लेकर उन्नीस तेईस में फोर पॉइंट सेवन इंक्रीज हो चुका है हमारा आर्म्स का इंपोर्ट ठीक है इंडिया का ठीक है बेटा क्लियर है अब देखिए आपका पांचवा प्रश्न है स्क्रीन पर विच कंट्री हैज अचीव्ड फर्स्ट रैंक इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 एंड रिपोर्ट का क्वेश्चन आएगा ही आएगा लिख लो इसको जरा हाईलाइट करके वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट पहला रैंक बच्चों किसने हासिल करा है कौन सा वो देश है बताइए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फिनलैंड बिकम्स द फर्स्ट जो है वो कंट्री है जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहला रैंक अचीव किया है तो यहां पे देखो पहला है इसका दूसरा है डेनमार्क तीसरा आइसलैंड और चौथा है इजराइल ठीक है तो ये हो गए चार रैंक अब भारत की कितनी है भाई रैंक भारत की भी तो पता होनी चाहिए हमें है ना तो इंडिया की भी लिख लो जरा गोला लगाकर इस पे वन रैंक है सर्कल कर लो स्टार कर लो वन है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशंस ने इसको क्या करा है रिलीज करा है ठीक है इस रिपोर्ट को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क सोल्यूशंस भारत की रैंक है एक सौ छब्बीस पहली है फिनलैंड क्लियर है बेटा क्लियर है बेटा इतना चलिए तो छठा क्वेश्चन है विथ स्टेट गवर्नमेंट बैंड द यूज ऑफ हार्मफुल कलरिंग एजेंट्स इन कॉटन कैंडी एंड गोभी मंचूरियन ठीक है तो इन इन चीजों में खाने की चीजों में कैंडी में मंचूरियन में देखोगे हार्मफुल कलर देने के लिए एजेंट्स का यूज करते हैं मतलब केमिकल का यूज करते हैं कौन से स्टेट ने ना बैन कर दिया है बताओ कौन सा वो राज्य है जिसने इनका जो यूज है प्रयोग है कलरिंग एजेंट्स का वो बैन कर दिया गया है खाद्य पदार्थों में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों इसका डी इज द राइट आंसर कर्नाटका इज द राइट आंसर तो यहां पे आपका देखो रोडोमीन और टाट्राजीन कौन से केमिकल्स हैं कौन से एजेंट्स हैं टाट्राजीन और रोडोमीन ये क्या है बच्चों कलरिंग एजेंट्स हैं जिनका बैन कर दिया है अभी कर्नाटका ने ठीक है रिसेंटली तो ये भी आपको याद रखना है इन दोनों एजेंट्स का इन दोनों कलरिंग एजेंट्स का ठीक है क्लियर है बच्चों छठा क्वेश्चन एक क्वेश्चन और रहता है आपका आखिरी प्रश्न आंसर करिएगा बच्चों स्क्रीन पर है आपके क्वेश्चन नंबर सेवन इन व्हिच सिटी द इंडिया नेपाल आयुष एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस 2024 वाज ऑर्गेनाइज्ड बच्चों कौन सी वो सिटी है जल्दी से बता दो बताओ बेटा ढाका काठमांडू पेरिस या फिर न्यू दिल्ली देखो सारी ही सिटीज न्यूज में है ना आजकल है ना न्यूज में तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो है काठमांडू नेपाल की कैपिटल तो आपको याद रखना है आयुष नेपाल ये इंडिया नेपाल की कॉन्फ्रेंस काठमांडू में हुई है ठीक है अब बच्चों देखो और जो इसके अंदर ऑप्शंस है पेरिस पेरिस का है फ्रांस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन जो सात्विक चिराग ने जीता था अभी कहा हुआ था पेरिस में हुआ था ठीक है न्यू दिल्ली के अंदर आपके काफी सारे इवेंट्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुए हैं डेफ कनेक्ट भी हुआ है ठीक है न्यू दिल्ली में डेफ कनेक्ट हुआ है और साथ ही में आपका ढाका ढाका जो है बांग्लादेश की कैपिटल यहाँ पे क्या हुआ है बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बी ठीक है बी एस एफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस तो यहां पे ये देखा गया है अभी ढाका में ये हुआ था हेल्थ समिट रिसेंटली ठीक है अब इसका राइट आंसर काठमांडू हो जाएगा ये इंडिया नेपाल आयुष का क्या है कॉन्फ्रेंस है 2024 का क्लियर है बेटा इतना इतना क्लियर है नोट कर लोगे याद रख लोगे याद रख लोगे बेटा इतना ठीक है क्लियर है तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही आई होप सब ने ध्यान से सुना है समझा है नोट किया है नोट करना मत भूलना बेटा ऐसे सुनने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आप कॉपी लेकर ना बैठो तो नोट ज़रूर करना है याद जरूर करना है साथ के साथ महीने के हफ्ते के फिर साल के जब इकट्ठा हो जाएगा ना तो तुम्हें ही समस्या होगी तुम्हें ही परेशानी होगी और मैं नहीं चाहती कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जुड़े रहिए रोज हमारे साथ शाम को बेटा सात बजे फॉलो करिए हमें गैलेक्सी क्लासेस को और हम आपके लिए इसी तरीके से खबरों को लगातार लाते रहेंगे सिखाते रहेंगे ठीक है बच्चों मुस्कुराते रहिए शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए